अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम हमारे इस चैनल सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डू वाइल लूप के मुतालिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो हमने आज देखना है डू वाइल लूप के मुतालिक। डू वाइल लूप बेसिकली क्या होती है? तो सबसे पहले आज हम अपनी PHP फाइल को सेव करेंगे अपने HT डॉक्स के फोल्डर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर नाइन .php। तो हमने देखना है डू वाइल लूप के मुतालिक। हमने लास्ट वीडियो में वाइल लूप पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जो है ना, डू वाइल लूप थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी वाइल लूप से। उसका सिंटैक्स भी थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम अभी देखते हैं, और उसकी एग्जीक्यूशन भी मुख्तलिफ है हमारी वाइल लूप से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर साइन। हम वेरिएबल को नेम देते हैं v1 का इज इक्वल टू 10। अब मैं चाहता हूँ कि मैं या इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू रख देते हैं। सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग। तो अब हमने, जैसा कि हमने लूप के मुतालिक पढ़ा था पिछली वीडियो में, कि हम लूप को यूज़ करते हैं चीज़ को बार बार रिपीट करवाने के लिए। तो हमने वाइल लूप को तो देखा था। तो डू वाइल लूप को देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है ना सिंटैक्स है डू वाइल लूप का, कि सबसे पहले आपने लिखना है डू, फिर उसके बाद दो ब्रैकेट्स। हमने पढ़ा था कि लूप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसकी हमने इनिशियलाइजेशन कर दी, इसकी कंडीशन एंड पे आती है, और फिर हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू वैल्यू को हमने प्लस प्लस करना है। अब ये तो वो स्ट्रिंग हो गई जिसको हमने बार बार रिपीट करवाना है। इसको हम कट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने वन से ही, क्योंकि हमने v1 डॉलर लेस देन इक्वल टू 10 इको ऐसे, और इंक्रीमेंट हम करेंगे इसके बाद डॉलर v1 प्लस प्लस सेमी कॉलन। अभी हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं क्या इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह डिफरेंट है। तो हम अपने लोकल होस्ट में आके लेक्चर नंबर 9 आज का, तो मैं अभी आपको इसकी एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। डॉलर v1 डॉट br, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है ना हमारी लूप डिफरेंट है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह लिखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इसने जो है ना, इसकी मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में ना डू वाइल लूप थोड़ा सा मुख्तलिफ किरदार अदा करती है। जिस तरह जावा में इसको अगर हम लिखते हैं ना, तो ये जो है ना कंडीशन से एक दफ़ा ज़्यादा चलती है। लेकिन PHP में इसकी जो एग्जीक्यूशन है ये एक हद तक ही है। लेकिन जावा में इसने एग्जीक्यूशन जब इसकी होती है ना, तो इसका एग्जीक्यूशन वहाँ पे चेंज होती है, क्योंकि इसने, अगर आपकी कंडीशन है लेस देन 10, मतलब इसने 9 तक चलना चाहिए इसको, जैसे जगह ये लाइन तक चलिए। लेकिन जावा में अगर आप इसको देखेंगे
तो ये 10 तक ही चलेगी, मतलब इसने एक दफा, तो कंडीशन ट्रू है या नहीं है, इसने एक दफा उस चीज को चला देना है, इसीलिए इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है हमारी जावा के अंदर। लेकिन पीएचपी के अंदर इसकी एग्जीक्यूशन हमारी हमारी ये कंडीशन तक ही होती है, तो आपको डिफरेंट पता होना चाहिए था, इसलिए मैं इसकी एग्जीक्यूशन का डिफरेंट आपको बताया डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इसमें भी हम सेम पैटर्न यूज़ करते हैं, सेम कंडीशन हम यूज़ करते हैं, जिस तरह अगर आप चाहें, अगर आपने इसकी डिक्रीमेंट अगर आपने करवाना हो। आप अगर उल्टा चलाना है आपने इसको, तो इसी तरह आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं। ये तरीका कार है हमारी डू वाइल लूप का। इसको जो है ना, हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लूप यूज़ होते हैं, हम जो है ना अपने मकसद के हिसाब से, जैसे कि हमें अच्छा लगे कुछ लूप। हर प्रोग्रामर का लिखने का अपना तरीका होता है, कई लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, कई लोग डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, कई लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे फॉर लूप को। तो इसको हम जो है ना, इसी तरह हम अगर कोई हमने कोई प्रिंट करवानी कोई चीज़, कोई टेबल अगर हमने प्रिंट करवाना है, जैसा कि अभी हम देखते हैं, जो हमने फॉर लूप में नहीं देखा था, हमारी सॉरी वाइल लूप में हमने नहीं देखा था, कि आप अगर कोई टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, टू का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो डॉलर V1 इज इक्वल टू टू सेमी कॉलन V2 इज इक्वल टू 1। अब इको के अंदर आपने जो है ना, यहाँ पे लिखवाना है डॉलर V1 डॉट मल्टीप्लाई बाय डॉलर V2 प्लस नहीं, इसके अंदर हम कॉन्केटनेशन ये डॉट यूज़ करते हैं, डॉट इज इक्वल टू डॉट डॉलर V1 मल्टीप्लाई बाय डॉलर V2, और इसको हम करेंगे प्लस प्लस, और यहाँ पे हम करेंगे डॉलर V2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। अभी हम आते हैं अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। डॉट br तो बेसिकली यहाँ पे हमारे से एक मिस्टेक हो रही है, जैसे कि अभी एरर आ गया है, किस्म का एरर ही आई है कि हमारा लूप बंद नहीं हो रहा। तो इस एरर को हम अभी देखते हैं कि हमने यहाँ पे कर दिया है V1++, जबकि हमने यहाँ पे करना है V2++। इससे एरर क्या हो रहा है कि आपका जो V2 है, इसमें इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, तो वो उसको हमेशा 10 से लेस देन ही मिल रहा है। तो 10 से उसको लेस देन मिल रहा है, तो इसलिए उसको वो बार 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 चलाई जा रहा है और लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको क्रॉस करके एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें जी, हमारा टेबल हमने लिख लिया ऐसे। तो ये तरीका कार है डू वाइल लूप का, इस तरीके से हम मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यही यही सेम हम पैटर्न हम अपनी वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके हम बस उसका लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना जो है ना हम इजीली उसमें जो है ना ऐसे ही टेबल लिख सकते हैं। और यही जो है ना, सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंट होता है लूप के अंदर, बाकी एग्जीक्यूशन सेम वैसी ही होती है जैसी जो है ना बाकी लूप्स में होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।